सुनो रे काला कद्दू, तुमको जब भी दुकान पे रखते हैं तुम हमारा लॉस करवाते हो, समझे। अब हम ये घड़ी का दुकान खोले हैं तो अब हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा अच्छा समय स्टार्ट होगा। तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे मेरा आने वाला अच्छा समय बुरा वक्त में बदल जाए। हमारा दुकान टकला घड़ी वाला कद्दूपुर में मशहूर होगा। लोग को जब भी घड़ी लगेगा हमारा दुकान से आके लेगा, क्योंकि हम अपना दुकान में हर प्रकार का घड़ी रखे हैं। दुनिया में ऐसा कोई भी घड़ी नहीं होगा जो हमारे दुकान में नहीं होगा। हमारा दुकान टकला घड़ी वाला जरूर चलेगा। तो एक काम करो, दुकान पे थोड़ा देर ध्यान दो, हम घर से आते खाना खा के, और तुमको खाना खाना होगा तो खा लेना यहाँ पे। अरे हाँ सेठ जी, आप घर जाइए बढ़िया से, खाना खा कर आइए बढ़िया से, हम तब तक दुकान संभालते हैं। हाँ भाई साहब बताइए, आपको क्या चाहिए? तुम इस दुकान का मालिक हो? अरे नहीं नहीं भैया, हम स्टाफ हैं यहाँ का, मालिक तो घर गया है। अरे तो काम करो, मालिक को फोन करके बोलो कि हम आए, हमको उनसे काम है। अरे भैया बताइए ना, आपको क्या चाहिए, हम ही दे देते हैं। अरे हमको जो भी लेना है तुम्हारा मालिक से लेंगे, मालिक को बुलाओ। अच्छा अच्छा बुलाते हैं। हेलो, हाँ काला कद्दू बोलो, क्यों फोन किया? मालिक दुकान पर कस्टमर आया है। हाँ तो डील करो उसके साथ। अरे कौन सा डील करना है कस्टमर के साथ? अरे पूछो ना कौन सा घड़ी चाहिए, घड़ी दिखाओ। बोलबा कहीं का बोलता है दुकान संभाल लेंगे, फिर कॉल करता है। अरे सेठ जी वही तो हम भी बोले कस्टमर को, लेकिन बोलता है मालिक को बुलाओ, बोलता है जो लेंगे मालिक से ही लेंगे। अरे यार तुम एक भी कस्टमर से डील नहीं कर पाते हो, बैठा के रखो, जाने नहीं देना, हम आते हैं, लगता ही लेने वाला पार्टी है लेकिन तुम डील नहीं कर पा रहे हो हमारे। हाँ बोलिए भाई साहब, क्या चाहिए आपको? आप इस दुकान का मालिक है? हाँ हम ही इस दुकान का मालिक, बताइए आपको क्या चाहिए। अच्छा भैया ये बताइए तो, आज हमारा दोस्त का शादी है तो वो हमको इनवाइट किया है, तो आज हम उसका शादी में जाने वाले हैं, तो उसको कौन सा गिफ्ट देना सही रहेगा? अरे स्मार्ट वॉच दीजिए, खुश हो जाएगा। वो कपल वाला स्मार्ट वॉच नहीं होता है, दुल्हन को भी दीजिएगा, दुल्हा को भी दीजिएगा। बोलिए पैक कर दे। अरे नहीं नहीं भाई साहब, दुल्हा को और दुल्हन को घड़ी पसंद ही नहीं है, बोलता है फोन में तो टाइम बताता है तो घड़ी क्या पहने। अरे तो फिर तुम हमारे यहाँ काहे आए हो? अरे भाई साहब हम तो आपसे सलाह लेने आए हैं। अरे हमारा दुकान के बारे में लिखा है क्या, हम एडवाइस देते हैं? अरे नहीं लिखा है। अरे तो काहे मांग रहे हो? अरे भाई साहब इसलिए सलाह मांग रहे हैं कि आपका घड़ी का दुकान है ना। अरे घड़ी का दुकान है तो क्या हुआ, घड़ी का दुकान वाला लोग सलाह देता है क्या? दरअसल ये बात है भैया कि आपके पास समय ज्यादा होगा ना, काहे कि आपका दुकान तो घड़ी का है, तो बैठे बैठे क्या कीजिएगा, सलाह ही दे दीजिए। अरे सलाह पागल, तुमको अपने दोस्त को शादी में क्या देना, वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, तुमको घड़ी चाहिए तो लो। अरे घड़ी चाहिए होता तो नौकर से नहीं लेते तुम्हारा, तुमको काहे बुलाते। हम तो तुम्हारे यहाँ सलाह इसलिए लेने आए थे काहे कि तुम घड़ी बेचते हो, समय के साथ चलते होगे, और हम तो ठहरे पुराना जमाना का आदमी, हम समय के साथ नहीं चलते, हमारा ख्याल तो पुराना वाला है, तो हम सोचे आजकल क्या चल रहा है, क्या गिफ्ट देना सही रहेगा नहीं रहेगा, तो तुमसे पूछ लेगा कि तुम घड़ी बेचते हो, समय के साथ चलते हो और खाली भी बैठे होगे, समय भी बहुत है, लेकिन हमको क्या पता था साला तुम भी बुड़बके हो। और आज हमको ये भी समझ में आ गया कि जो घड़ी बेचता है जरूरी नहीं है कि वो समय के साथ ही चलता हो। अरे साला अपने पागल, हमको पागल बोलता है, चिंता हमको टकला लेता है, नहीं तोड़ देंगे तुम्हारा पागल साला, तो दुकान में बकवास कर रहा, ऊपर से हमको पागल बोल रहा है। एक तो साला तुम्हारे चक्कर में मादा खाना छोड़ के तुम्हारे पास आया है, और यहाँ आने के बाद साला तो हमसे बकवास कर रहा है। अरे बकवास तो तब से तुम कर रहा है, हम तो खाली सुन रहे हैं, मांगने आए थे सलाह, तुम खाली बकवासे कर रहे हो, बकवास आदमी हट। अपने साथ हमारा भी समय खराब कर दिया, समय का कदर ही नहीं है लोग को, तुम क्या घड़ी बेचेगा, तुम रोड पे जूता साफ करो साला पागल। अरे कला कर, पकड़ साले को पकड़, दे तो लेंगे आज हम इसका, पकड़ पागल साला, हमारा दुकान पे आके हमको बोलता है जूता साफ करो, जूता से मारेंगे अभी हम इसको, साला पकड़ में आ गया, दे तोड़ते अभी तुम्हारा, हट हट निकल हमारा दुकान से पागल साला, आइंदा से दिखना नहीं हमारा दुकान पे, साला कोई भी धंधा खोलते पागले से बात है दुकान पे, समझ के क्या रखा टकला नेता को। और तुमने काला का लूटा, तुमको कितना बार समझाया, कस्टमर देख के समझ में नहीं आता कौन लेने वाला है कौन बकवास करने वाला है। हेलो क्या हुआ, काहे फोन कियो फिर? अरे नहीं लिया अभी गिफ्ट, काहे क्या हुआ? अरे क्या बोल रही हो, पहले बताना चाहिए ना, उस लोग को घड़ी बहुत पसंद है, स्मार्ट वॉच लेना है। अरे साला ये तो लेने वाला कस्टमर है। ठीक है लेके आते हैं। भाई साहब दिखा दे स्मार्ट वॉच। भाग साले कुत्ता का बच्चा, जूता उठा के मारेंगे, स्मार्ट वॉच दिखाएगा। अरे साला निकल अपना दुकान से, हमको जूता से मारेगा, नहीं निकला तो तुम्हारा देह तोड़ देंगे फिर। तुम्हारे चक्कर में साला काला कल उठा लेने वाला कस्टमर भाग गया, ऐसे काम करने तो निकाल देंगे नौकरी से। अरे सेठ जी इसमें हमारा क्या गलती है, सब बात तो आप ही कर रहे हैं, कभी बोलते लेने वाला कस्टमर है, कभी बोलते नहीं लेने वाला कस्टमर है, आपको कस्टमर पहचानने भी आता है कि नहीं? अरे चुपड़ा जवान लगाता है, एक शब्द नहीं बोलेगा, देखना है कस्टमर को कैसे डील किया जाता है। टकला अंकल आपके पास वो वाला घड़ी है? बेटा कौन सा घड़ी? अरे टकला अंकल जो हमको बहुत पसंद है। अरे बेटा तुमको कौन सा घड़ी पसंद है, स्मार्ट वॉच? अरे नहीं टकला अंकल, हम इतना स्मार्ट है ही नहीं कि स्मार्ट वॉच पहने, वो वाला घड़ी दिखाइए ना। अरे ये भी साला पागल लग रहा है हमको बच्चा, वो वाला घड़ी कौन सा घड़ी दिखा इसको, रे बाबू कौन सा घड़ी चाहिए सीधा सीधा बोलो ना।
अरे अंकल वो वाला घड़ी जिसको पहनने के बाद इंसान गायब हो जाता है। अरे पागल है काजी, ऐसा कोई घड़ी नहीं आता है जिसको पहनने के बाद कोई गायब हो जाता है। अरे अंकल हम पागल नहीं, आप बनाने का कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास घड़ी नहीं तो सीधा सीधा बोलिए, बेवकूफ का बनाने बच्चा को। अरे ऐसा कोई घड़ी होता ही नहीं, अरे साला पागल, हम कोई बेवकूफ नहीं बना रहे, कहां देखा ऐसा घड़ी तुम। अरे मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर पहना है, वो पहनने के बाद गायब हो जाता है और लाल बत्ती में दिखाई देता है। अरे फिल्म में तो कुछ भी होता है। हाँ फिल्म में सब कुछ होता है, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं होता है तो फिर इतना दुकान के बाहर लिखे काहे हो, हमारे पास सब तरह का घड़ी मिलता है लोग का समय खराब करने के लिए। अरे ये तो मर्द का आवाज वाला बच्चा बहुत बोल रहा है, साला है 1.5 फीट का, आवाज कैसा मर्द जैसा, ऊपर से बकवास कर रहा है पागल। पिक्चर देख क्या गया है, गायब होने वाला घड़ी कहाँ से दे इसको हम। ये तो अच्छा हुआ उस साउथ का मूवी नहीं देख के आया है जिसमें हीरो घड़ी पहनता है तो पास्ट में चला जाता है। रे बाबू गलती से प्रिंट हो गया, आगे में हर प्रकार का घड़ी मिलता है, ये वाला घड़ी नहीं हमारे पास, जा। अरे सेठ जी है ये वाला घड़ी, नया स्टॉक में आया, पता नहीं आपको। अरे अभी साला क्या बकबक कर रहा है, क्या कल उठा पागल हो गया क्या। बस थोड़ा सा लेटेस्ट टाइप का घड़ी है, उसको पहनने के बाद अगर रूम का बत्ती बंद कर दिया जाए तो कोई भी आपको नहीं देख पाएगा और ये काम रात में होगा। क्यों बाबू लोगे ये वाला घड़ी, बहुत बढ़िया घड़ी है, लेटेस्ट घड़ी है। हाँ हाँ दे दीजिए, इसी टाइप का तो घड़ी चाहिए हमको, पूरा मार्केट में नहीं मिल रहा है। इनको मालिक कौन बना दिया, मालिक तो आपको होना चाहिए, कुछ पता नहीं है इनको। इस साला बहुत बकबक कर रहा है, लेकिन बढ़िया है काला करते इसको बढ़िया से बोतल में उतारा है, घर जाएगा ना तब पता चलेगा, नॉर्मल घड़ी दे रहा है, बत्ती बंद करेगा तो रात में तो कोई भी नहीं दिखाई देगा। ये साला बुलबक अपने आप को बेसी होशियार समझ रहा है ना, बांध के जाएगा बुलबक साला, और रुको ना घड़ी का 1000 रुपए बढ़ा के भी लेंगे। अरे काला कदर तुम तो बहुत बढ़िया काम किए, उसको 1000 रुपए महंगा में घड़ी चिपका दी हम लोग, वो घड़ी तो नॉर्मल घड़ी था। देखे सर जी मेरा होशियारी, हम हमेशा बोलते हैं कि हम होशियार है, बस आप ही नहीं समझते हमको होशियार। अरे हाँ तुम होशियार है, तुम खाना नहीं खाए हो, जाओ खा के आओ, हम दुकान पे ध्यान देते हैं। अरे बेटा घड़ी दिखा दो। अरे ये बुढ़ा उधर कहाँ देख रहा है, बात हमसे कर रहा है, देख उधर रहा, हो सकता है दुकान देख रहा हो। हाँ देखिए चाचा जी। अरे दिखाओ ना कहाँ दिख रहा है। अरे यहाँ रखिए ना चाचा जी, इधर देखिए। अरे इधर ही तो देख रहे हैं, कहाँ दिख रहा है, दिखाओ तो, झूठ काहे बोल रहे हो, अंधा समझ रहे हो क्या। अरे हम कहाँ अंधा समझ रहे हैं, हम काउंटर पे रखे, देखा नहीं रहे इधर, उधर कहाँ देख रहे हैं। अरे काउंटर पे तो देख रहे हैं, कहाँ है दिखाओ। अरे साला ये पागल लगता है, अंधा कहीं का देख उधर रहा है, बोल रहा हम नहीं दिखा रहे। अरे अंधा है क्या, दिखता नहीं है तुमको। अरे हाँ बेटा हम अंधा है, लेकिन तुमको ये बात कैसे पता चला, हम तो तुमको बताए नहीं। साला हरकत है वैसा कर रहा, देख उधर रहा है, बोल रहा नहीं दिख रहा है, तो कोई भी आदमी समझ जाएगा अंधा है। वो चाचा आप अंधा है ना, हम अंधा थोड़ी ना है, हमको तो दिखाई दे रहा ना आप अंधा है। अरे तो चिंता मत करो बेटा, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तुम भी जल्दी अंधा हो जाओ, तुमको अपना आँख पे बहुत घमंड है ना। और एक बात बता देते हैं तुमको बेटा, याद रखना इस दुनिया में सब अंधा है। मेरा बेटा शादी करने के बाद माँ बाप को भूल गया, प्यार में अंधा हो गया, और तुम माल बेचने के चक्कर में अंधा हो गए, इंसानियत भूल गए, और तुम व्यापार में अंधे हो गए, अपना माल बेचने के चक्कर में इंसानियत ही भूल गए। अच्छा है कि भगवान हमको अंधा बनाया है, छोड़ो ये सब बात, घड़ी दिखा हमको बढ़िया महंगा वाला। अरे साला ये बुढ़ा तो अंधा है, उसके बाद इसको महंगा घड़ी चाहिए, बढ़िया हमारे लिए इसको सस्ता घड़ी बेच देते महंगा में, लेकिन नहीं अभी ये बात सही बोला, हम लोग व्यापार के चक्कर में अंधा हो गए, हम इसके अंधेपन का फायदा नहीं उठाएंगे, हम इसको जेन्युइन घड़ी देंगे वो भी कम दाम में। हाँ वो बात अलग है कि अंधा है घड़ी देखेगा कैसे, वो बात हमको भी पता है, लेकिन अब इसी को चाहिए ना, बेचना तो है हमको, बेच देते। अरे चाचा जो हम काउंटर पे रखे नहीं वाला घड़ी ले लीजिए, 1500 रुपया का, बढ़िया लगेगा आपका हाथ पे। सही में बेटा बढ़िया लगेगा। हाँ बढ़िया लगेगा बहुत, आप काला का तो खाना खा लिए ना। कौन किससे बात कर रहे हो बेटा। अरे वो हमारा स्टाफ है खाना खाने गया था, पहले खाना खा के आ गया है, काला का तो ध्यान से जाना, चाचा अंधा है घड़ी लेने आया है, 1500 का चाचा घड़ी ले रहा है। अरे चाचा आप क्या घड़ी ले रहे हैं, आपका तो आंख का रोशनी चला गया है ना, तो घड़ी का क्या कीजिएगा, देख तो पाइएगा नहीं। अरे हाँ हम तो भूल ही गए थे, हम तो अंधा है, हम घड़ी में टाइम देखेंगे कैसे। बेटा तुम्हारे अंदर लगता है इंसानियत जिंदा है, जो तुम हमको सही सलाह दिए, वरना तुम्हारा मालिक ये तो साला चोर है, बिजनेस में अंधा हो गया, इतना ज्ञान दिए उसके बाद भी हमको समझाया नहीं, बेचना चाह रहा था, कह रहा था 1500 का घड़ी ले लीजिए अच्छा रहेगा, चोर साला। और हम भी साला देखो कितना बड़ा बेवकूफ है, हम अंधा हम घड़ी देखेंगे कैसे, हम सोचते थे लोग पहनता हम भी पहन लेंगे, लेकिन पहनने से क्या होगा, हमको तो समय का पता ही नहीं चलेगा। अच्छा किए जो बता दिए, तुम्हारा उम्र ना 100 साल हो जाए और इस साला का ना आँख चला जाए,
तब इसको पता चलेगा, अंधा जब हो जाएगा ना तब पता चलेगा जमाना वाला कैसे ठगता है और कितना दर्द होता है। इस साला काला लुटा के चक्कर में हमारा इतना बड़ा बेइज्जती हो गया और सौ रुपए मार्जिन लेके साला घड़ी बेच रहा था उसको ईमानदारी से, उल्टा हमको चोर बोल रहा है इसके चक्कर में, चोरेंगे नहीं साला काला लुटा को। अरे साला वैसे होशियार बनता रे, तुमको माल बेचने के लिए रखे, कस्टमर को गाइड करने के लिए रखे, आप अंधा आपको नहीं दिखता है, तुम्हारा साले अभी हम आंख निकालेंगे काला का लूठा। दोस्तों देख रहे ना हमको कितना लॉस होता है, नया धंधा खोले थे घड़ी वाला वो भी लॉस हो गया। कमेंट करके बताइए कौन सा ग्राहक आप लोगों को सबसे ज्यादा अच्छा लगा और क्या सही में इस बुढ़ा का हमको श्राप लगेगा, हम अंधा हो जाएंगे, हम अंधा हो जाएंगे तो काम कैसे करेंगे बताइएगा।